इतिहास हल संसदर पुरनी भवन गणेश चतुर्थी नतुन संसद भवन आरम्भ हल कम काज नतुन संसद भवन उत्थापन महिला संरक्षण विधेयक मंगलबार इतिहास पात लिपिबद्ध हल पुरनी संसद भवन सोमवार यह भवनते अनुषित है संसदर पांचदिनिया विशेष अधिवेशन प्रथम दिन कार्यसूची भारत संसदीय राजनीतिर बहु घटनावल सी पुरनी संसद भवन मंगलबारे पुवा 9:30 केन्द्र प्रेक्षागृह सको सांसद एक फटो अनुष्ठान अनुषित है यार पाशते 11 बजार आरम्भ है संसदर विशेष अधिवेशन कार्यसूची संसदर ऐतिहासिक उत्तराधिकार 2047 भर देश उन्नत राष्ट्रीय अनार सन्दर्भ आलोचना है उल्लेख 1921 निर्माण कार्य आरम्भ कर पुरनी संसद भवन 1927 मुक्ति सोमवार संसदर विशेष अधिवेशन प्रथम दिन लोकसभा भाषण दूते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह भवन कथा उल्लेख कर प्रधानमंत्री मोदी कय आम पुरनी संसद भवनक विदाय दीसा एक आवेगिक मुहूर्त তেওঁ লগতে কয় সংসদৰ এই পুৰণি ভৱনটোৱে সকলো ৰাইজক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব সংসদ ভৱনটো বিদেশী শাসকে নিৰ্মাণ কৰিলেও আমাৰ দেশবাসীৰ তেজ আৰু ঘাম সোমাই আছে আনহাতে মঙ্গলবাৰে সংসদৰ পুৰণি ভৱনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই ভৱনটোক নামকৰণ কৰে সংবিধান সদন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় এই ভৱনৰ গৰিমা কেতিয়াও হ্ৰাস নহয় আৰু মেৰি প্ৰাৰ্থনা হয় মেৰা সুজাব হয় कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहां बैठा करते थे गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार आनते मंगलवार गणेश चतुर्थी संसद नतुन भवन काम काज आरम्भ कर सेंट्रल भिस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्टर अधीन निर्माण कर उलिया नतुन संसद भवन 2020 आधारशिला चारिमहलिया नतुन भवन तो जो 28 मे मुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नतुन भवन कर्मचारी और निरापत्तारक्षर नतुन पोशाको दिया मंगलबारे नतुन पोशाक परिधान कर देखने पा जाए कर्मचारी और निरापत्तारक्षी देवबारे এই ভৱনটোত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে এফালে নতুন সংসদ ভৱনলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে খোজকাঢ়ি আহে সকলো সাংসদ তাৰ পাছত দিনৰ 1:15 লোকসভা আৰু 2:15 ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশনৰে দুইখন সদনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয় সংসদৰ নতুন ভৱনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় এতিয়াও নির্বাচনলৈ সময় আছে কিন্তু ব্যৱহাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোন এইফালে বহে কোন সেইফালে বহে অনাগত মাহবোৰতে দেশবাসীয়ে এয়া দেখিবলৈ পাব লেকিন মাননীয় অধ্যক্ষজি আবি চুনাও তো দূর হে আর জিতনা সময় হামারে পাস বচা হে ইস পার্লামেন্ট কে मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहां ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा और जहां जो यहां आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा
इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। एनेक संसद नतून भवन प्रथम दिन कार्यसूची से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नाम नोलोक लोकसभा निर्वाचन प्रसंग उल्लेख कर आनते नतून संसद भवनते उत्थन महिला संरक्षण विधेयक केन्द्रीय आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाले उत्थन कर यह विधेयक तदुपरि संसद नतून भवनते यह विधेयक प्रसंग केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यसभा कांग्रेस संसदीय दलर दलपति मल्लिकार्जुन खार्गेर मजब है तीव्र बाकजुद्ध। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, दि क्रॉस करेंट।